तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध के 26वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री कपिल मुनि कपिल देव अपनी माता देवभूति को सांख्य दर्शन ज्ञान है प्रदान कर रहे हैं और चौबीस तत्व के विषय में उन्होंने बताया और 25वां तत्व जिसका वर्णन कुछ श्लोकों में किया गया है उनका जो है वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। वो 25वां तत्व कौन सा है? काल। काल तो हम देख रहे हैं इन कुछ श्लोकों में इन तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि माता देवहूति ने प्रश्न किए भगवान को कि आप जो है आप परम पुरुष है तथा आप उनकी शक्ति या आपकी जो शक्ति है और ये परम पुरुष की का जो शक्ति के लक्षण क्या है मैं जानना चाहती हूँ। तो कृपया करके आप उसका वर्णन कीजिए। आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों का लक्षण करें क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देवहूति माता ने किया कि जो कुछ भी प्रकट है वो जो अप्रकट प्रकट और प्रकट सृष्टि के कारण कौन है वो आप मुझे बताइए। और अब भगवान जो है उनको ये वर्णन दो क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो बता दिया कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये सर्व कारण कारण कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज है उसको और गहराई से समझे। तो इस प्रकार से हमारे जो शास्त्र है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हम अनेक अनेक शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें हमारा ज्ञान भगवान के विषय में भगवान की सृष्टि के विषय में ये सृष्टि चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक हो तो सब जो है इनके पीछे कौन है जानना जरूरी है ताकि हम एकम शरणम व्रज एकम शरणम व्रज अगर हमें पालन करना है भगवान का जो आदेश है भगवद गीता में तो क्यों और कैसे ये बहुत जरूरी। तो अंत में भगवान भगवद गीता के अंत में बताते तो ये ज्ञान जरूरी है किस किसके लिए जरूरी है हमें ये ज्ञान कोई बता सकता है?
ताकि हम अपना कृष्ण से संबंध जान सके, वहां वापस जा सके अपने घर में से। देहात्म बुद्धि निकलने के लिए मां, देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए। करेक्ट, यस। जैसे कि माता जी ने भी बताया कि ताकि हम भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके पास वापस उनके धाम में जा सके, और ये देहात्म बुद्धि से हम मुक्त हो जाए। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और इन सब तत्वों में से सबसे जो शक्तिशाली तत्व है भगवान का, या शक्तिशाली शक्ति है, वो है काल, जिसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ये 25वां तत्व। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। तो प्रधान है पहला। तो ये सब कैसे, ये भगवान की शक्ति। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो उसे प्रकृति का, अप्रकट प्रधान है। वो जब प्रकट होता है तो क्या हो जाता है, प्रकृति। बहुत वेरी वेरी क्लियर, नो विशी वाशी बिजनेस, वेरी क्लियर नॉलेज गिवन बाय, किसे दे रहे, कौन दे रहे, स्वयं भगवान। तो इसीलिए हमें उसको समझना है, स्वीकार करना है। समझने के लिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे तात्पर्य लिखे हैं, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है वो सिंपल रूप में वर्णन करते हैं अपने तात्पर्यों द्वारा। और जब हम जान लेते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं और उसको समझ लेते हैं, उसके साथ हम अपना आत्मा साथ कर देते हैं, इंटरनलाइज द नॉलेज। ज्ञान तो है, लेकिन उनको इंटरनलाइज करना, उनको इंटरनलाइज करने के लिए, उसको गहराई से हमें आत्मसात करने के लिए उसको गहराई से हमें समझना है। भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत हम है। भगवद गीता को तो हम पढ़ते हैं और हम सोच सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, भक्त तो नहीं सोचते, भक्त तो बार बार पढ़ते रहते कि हमने तो पढ़ लिया, लेकिन ये इतना कठिन आसान नहीं है। जब तक हम उसके साथ आत्मसात न करें, भगवान के शरणागत न हो, और यही बात भगवान ने अर्जुन को भी बताया था, जो हम सब जानते हैं, कि ये ज्ञान आप समझ सकते हो क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मेरे मित्र हो। जब तक हम भगवान के भक्त या शरणागत न, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान तब दिया जब उन्होंने उनके शरणागत, उन्होंने कहा कि मैं आपका भक्त हूं, आपका शिष्य हूं, आप मुझे आदेश, तब भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि हमें ज्ञान को समझने के लिए हमें ये स्वीकार करना होगा कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है। विश्वास ना हो, थियोरिटिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन थियोरी। इफ यू अंडरस्टैंड इन थियोरी दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दैट इज द बिगिनिंग, इसलिए शुरुआत। शास्त्रों के द्वारा हमें पहला कदम कि भगवान को स्वीकार करना है कि वे जो है परम सत्य, फिर भगवान की भक्ति करें या उनको आगे उसमें लग जाए भगवान के साथ, वो आगे। तो ज्ञान को समझने के लिए ये भगवान
भगवत तत्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान के को परम सत्य के रूप में माने। पर यहाँ पे परम सत्य भगवान कपिल के रूप में हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे, जैसे कि भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता का ज्ञान उन्होंने दिया। तो ये हो गया, क्या हुआ पहले प्रधान, प्रधान जो प्रकट रूप क्या है, प्रकृति। पांच स्थूल तत्व कौन से हैं, पांच सूक्ष्म तत्व, तो ये तो आप लोग ने सब चर्चा तो कर ली है। तो पांच स्थूल तत्व, पांच सूक्ष्म तत्व, चार अंतकरण, पांच इंद्रियां तथा पांच कर्मेंद्रिया, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। तो ये प्रधान क्या है, ये सब 24 तत्व, ये सांख्य दर्शन भगवान देवमूर्ति को दे रहे। पांच स्थूल तत्व के नाम है, ये सब नाम बता रहे अभी वेरी नाइसली कैटेगरीली भगवान ने बताया है कि तत्व के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। आकाश मतलब सॉरी स्पेस। सूक्ष्म तत्व भी पांच है, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द, ध्वनि। तो ये जो एक्स नंबर, लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज अ लर्निंग क्लास, तो प्लीज मेक योर मार्किंग्स, बिकॉज ये यहाँ पे क्लियरली सब, अगर आपको जानना है दिस इज प्लेस वेर सब बताया जाए। 25 तत्व जो है भगवान, तो श्रीमद् भागवतम 3.26 फ्रॉम पॉइंट 10, फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स दिस इज स्टार्टिंग। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हो गया पांच स्थूल तत्व और सूक्ष्म, तो पांच पांच 10 ज्ञान इंद्रिया तथा कर्मेंद्रिया को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये है श्रवण इंद्रिया, स्वाद इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, विषय इंद्रिया, ध्वनोंद्रिया, वागेंद्रिया कार्य करने की इंद्रिया, चलने की इंद्रिया और जनन इंद्रिया तथा मल त्याग इंद्रिया। तो हम नहीं है दुकान, फाइव प्लस फाइव 10, 10 plus 10, 20 ये हो गया 20 का अंतरिक्त। सूक्ष्म इंद्रिया मन, बुद्धि, अहंकार तथा कुलुषित चेतना। तो मन 4 क्या है, स्पेशली वी नो 10-20 तक हम लोग जब जान लेते हैं, लेकिन ये चार ये पांच में थोड़ा हम लोग भूल जाते हैं। तो व्हाट आर दस 4, मन, बुद्धि, अहंकार और कुलुषित चेतना। मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, व्हाट इज इट सेड इन इंग्लिश, फॉल्स ईगो, फॉल्स कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, यस, चेतना, हाँ ठीक है ना। तो ये दैट कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज वी फॉरगेट, कॉन्शियसनेस वी फॉरगेट, चेतना भूल जाते, मन, बुद्धि, अहंकार 3 आ जाता, लेकिन फिर वो चेतना भूल जाते। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये है क्या है, चेतना। कुलुषित, कुलुषित मीन्स दूषित, कंटामिनेटेड, मिश्रित चेतना, ये 4 प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही उनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। तो अभी ये हो गया
फिर बाद में ये बताया गया कि इन सब को सुयो ब्रह्म माना जाता है, इन सब को मिलाने वाले तत्व, ये सब मिलाने वाला ना, एवरीथिंग इज देयर, इसको मिक्स करने वाला कहा है, काल 25th एलिमेंट, इसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। सो ये काल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काल। तो आज के इस श्लोक में परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी में ना हो लेकिन काल में किया जा सकता है, इसीलिए काल बहुत महत्वपूर्ण है किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। काल वेरी पावरफुल, जो हम जानते हैं ये काल कौन है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिस काल के प्रभाव में, कोई भी नहीं, कोई भी जीव जो है इस काल से बच नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं भगवान में नहीं मानता हूं, तो भी भगवान काल के रूप में आते उनके सामने, तो ये काल का प्रभाव भक्तों के ऊपर भी होता है और असुरों के ऊपर भी। मानने वाले भक्तों के ऊपर भी होते हैं, जो ना मानने वाले भक्त के ऊपर, जैसे कि कोई क्या है कि मैं जो है इस गवर्नमेंट का पापा जी बहुत अच्छी तरह से हमें बातों को गहराई से अनेक अनेक जगह बताते हैं कि गवर्नमेंट कोई जो है, गवर्नमेंट का रूल है वो वैसे ना, अपने घर बोलेगा कि नहीं मैं तो गवर्नमेंट का रूल नहीं मानता, वो मानता नहीं, बस जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकलता है तो सब जो नियम के अनुसार वो माने या ना माने, वो नियम उसके ऊपर जो है लागू है, सबके लिए लागू है। कोई अगर कहे कि नहीं मैं नहीं मानता हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन लागू होगा, तो मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं, मैं नहीं मानता उन सब चीजों, लेकिन क्या वो ऐसे कर सकता है? इस भौतिक जगत में भी हम जो है अपने देश या अनेक अनेक जगह में कितने भी स्थान है, सब में जो है नियम लॉज जो है गवर्नमेंट लॉज, चाहे कोई भी देश में चले जाए, हमें उन देश के नियमों के अनुसार चलना, हम माने या न माने। पर हम इतने बिंदास है इंडिया में, तो आई लव माई इंडिया, तो लॉज ब्रेक करते कुछ नहीं होगा, उससे हम एस्केप कर सकते हैं भौतिक नियमों लॉज से, हम जो है छुटकारा पा सकते हैं कुछ करके। हाँ, लॉयर है अपना बहुत पावरफुल, उसको वो मुझे बचाएगा कितने हद तक, लेकिन मृत्यु से कौन बचाएगा, भगवान की लॉज से कौन बच सकते, लॉज ऑफ गॉड
प्रकृति के नियम कठोर है, स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट है. वन कैन नॉट एस्केप द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटीरियल नेचर. वी कैन जस्ट इमेजिन दैट वी आर, बट वी कैन नॉट एस्केप. और उसका प्रभाव कैसे, काल के रूप में. अभी ये तत्व है कि नहीं, 25वां. से हम कल भगवान कहते हैं, कालों काल के रूप में मैं आकर सब हर लेता हूं. अपना पूरा एम्पायर कितना भी लॉयर्स को एक कर करके, कितना भी कुछ झोल करके ऊंचा उठ गए, लेकिन को उठने के बाद जो है सब कुछ यही के यही रह जाएगा. और काल हमें दूसरे शरीर और इस प्रकार से चलते रहेंगे. तो जीव को मृत्यु का भय, उसमें देहात्म बुद्धि के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है. तो जीव में मृत्यु का भय किसके लिए, किसके कारण होता है? अहंकार. पिछले श्लोक में भी प्रभु जी बताते हैं, जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत हो जाए. देहात्म बुद्धि प्रदान हो तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार. चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है. भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है. तो भौतिक कल्मश से दूषित ये चेतना या देहात्म बुद्धि जो है, ये अहंकार भय का कारण. हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है, वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है. आत्मा की मृत्यु नहीं होती, ये देहात्म बुद्धि. द लिविंग एंटिटी'स फियर ऑफ डेथ इज ड्यू टू हिज फॉल्स ईगो ऑफ अन आइडेंटिफाइड विद दिस बॉडी. देहात्म बुद्धि मीन्स पॉसिबल कंसिडरिंग द बॉडी टू बी वन सेल्फ. दे आत्म बुद्धि, देह को ही आत्मा मान, देह. तो सब जो है मृत्यु से भयभीत है, पर एक्चुअली तो वो है ही नहीं, ये माया. क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती. स्पिरिचुअल नो दैट. पर क्योंकि हम इसमें किसमें लगे, यहां पे बता रहे हैं, हम absorb, we are due to our absorption in identifying with the body as a self, fear of death develops. मृत्यु का भय कैसे उत्पन्न होता है, ये अहंकार के कारण. क्योंकि हम शरीर ही सब कुछ मान के रखते हैं, शरीर
आत्मा के विषय में, और हम सिर्फ शरीर शारीरिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भगवान भगवत गीता में होता है, प्रकृति क्रियमानं गुणे कर्माणि सर्वं अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता इति मन्यते। अहंकार के कारण, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। पर ये कैसे कर रही, प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति क्रियमानानि इज बीइंग डन बाय प्रकृति। सब कुछ जो है प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, पर हम समझते हैं हमने किया है, हम समझते कि हम बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि हम प्रवचन कर रहे हैं, हम नहीं कर। ये भगवान की शक्ति, सब कुछ भगवान। जैसे आज किसी ने कहा कि आप कैसे बोलेंगे, आप तो नहीं बोल सकते, भगवान बोल। बोलने की शक्ति और बुद्धि भगवान ने, पर अगर हम सोचते कि हम दे रहे, हम प्रवचन कर रहे, हम ये हमने परिवार का पालन कर रहे, हमने इतना सारा बड़ा राज्य बनाया, हम तो अहम, तो पर ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं बहुत अच्छा, यहाँ पे वर्णन किया है, प्रकृति क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार आत्मा करता हूँ। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों तथा कर्ता मान बैठता है, कर्म तथा कर्ता मान बैठता है अहंकार के कारण, मोहग्रस्त कॉन्टेमिनेटेड चेतना, कलुषित चेतना के कारण। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये एक्चुअली कौन कर रहा है, प्रकृति। पर अहंकार जो बीच में आ रहा है, वो अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं एक्चुअली नहीं है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं हमें भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, इतने सारे श्लोकों के द्वारा आत्मा और शरीर का अंतर क्या है ये जानना, जानने के लिए अगर हम ये जानते तो ये अहंकार से मुक्त हो जाए। इसीलिए पहले ही भगवान ने ज्ञान दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर कोई पढ़ेगा नहीं पता नहीं 18वें अध्याय तक जाएगा और फिर पता नहीं जाए भागवतम में जाएगा कि नहीं, तो ये जो कोड्स है भगवद गीता के सूत्र है उनको, इसीलिए जो भगवद गीता वो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम बस पर्याप्त है। अगर आप में विश्वास है, अगर हम जो भी बताया गया है भगवद गीता में वैसे के वैसे स्वीकार करें तो सब प्रॉब्लम सॉल्व, हम यदि आत्मबुद्धि से मुक्त हो सकते, अहंकार से। इसीलिए भगवद गीता में भगवान बताए प्रकृति क्रिया मानना करना कैसे आ रहा है, अहंकार के कारण हम सोचते कि हम करते। दो व्यक्ति जिसमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हैं, समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, जैसे कि कितने कितने
कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो रहे जूम के कारण। जूम पे हम उदाहरण जूम के ले रहे क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से इसमें हैं। जूम में इतने सारे कार्य लोग कर रहे, भौतिकवादी लोग जो है, जो भौतिक चेतना वाले लोग हैं, इतने सारे जो है बिजनेस सेमिनार्स कर रहे हैं किसके ऊपर, जूम के ऊपर। हम भी इतने सेमिनार्स कर रहे हैं किसके ऊपर, जूम के ऊपर। भक्त भी इतने सारे सेमिनार्स किसके ऊपर कर, जूम के ऊपर। सेमिनार्स वही है, कार्य वही है, वो भी सेमिनार है, वो भी मीटिंग है। भक्त हमको मीटिंग में जाना, अभी हमारा मीटिंग है, मीटिंग है, 8 बजे मीटिंग है, वो भी कहते हमारा मीटिंग है, मीटिंग को मिस नहीं कर सकते, हमारा मीटिंग है 8 बजे। मीटिंग उनका भी, हमारा भी मीटिंग है, लेकिन उनके मीटिंग और हमारे मीटिंग में बहुत अंतर है। एक ही स्तर पर कार्य करते हैं, समान पद पर प्रतीत होता हो सकता है, किंतु उसके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। प्रभुपाद जी इतने सुंदर रूप से इस जो है तात्पर्य में, उनके आकाश पाताल का अंतर है। भौतिक चेतना वाले व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहते हैं कि वही सभी वस्तुओं का करता है। आई कंडक्ट, आई डू, आई प्लान दिस, दिस इज माई प्लान, द होल कॉर्पोरेट विल फॉलो दिस प्लान। वरना यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है। दिस इज सच अ हाई लेवल, इतना हाई लेवल नॉलेज ये पे उनको नहीं, उनको अगर भक्त उनके सामने बोले ये क्या कचरा का बात कर रहे, कचरा बात है उनका। न्यूज़पेपर मैगजीन और ये सब पीरियडिकल, ये सब एक्चुअली अगर देखा जाए, ऑफकोर्स जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही, लेकिन अंत में अगर हम देखते हैं, सोचते हैं तो कि क्या कितना समय नष्ट किया जा रहा है इन चीजों के पीछे। क्यों? क्योंकि अंत में काल, वो माने नहीं, लेकिन अंत में काल भगवान को नहीं मानते। नो प्रॉब्लम, भगवान आएंगे सामने, सब हर के ले जाए। वैसी थी वो चोर है, हरी है, हरी का क्या है, हर लेना। भगवान हरि के रूप में, भगवान हरि काल तो सबके सामने आए, हमारे सामने, भक्तों के सामने भी और अभक्तों के सामने। लेकिन जब हरि भगवान जब अभक्तों के सामने आते तो भाई के रूप में आते, और जब भगवान अपने भक्तों के सामने आते और वे भाई के रूप में आते, कर उनका जितना भी उन्होंने पकड़ कर रखा है उसको छीन कर ले जाते हैं, लेकिन भगवान जब भक्तों के सामने आते हैं तो अपने सुंदर रूप, मुरली मनोहर श्याम सुंदर रूप में आकर उनको अपनी हथेली में उठाकर उनको अपने धाम वापस ले जाते हैं। ये है अंतर। तो भगवान के चरण कमलों में, इसलिए भगवान हमें रास्ते में जो कुछ भी कर तो करते ही मुझे अर्पण करो, ये बीच का अहंकार निकालने के लिए कह रहे हैं। भगवान हमें अर्पण इसीलिए करने के लिए इसीलिए नहीं कह रहे कि उनको चाहिए। सहस्त्र शत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में तत्पर है, क्या जरूरत, लक्ष्मी पति है। अभी यहाँ पे यहाँ हम जान रहे हैं कि सभी कारणों के कारण सब कुछ जो सृष्टि में है इनकी शक्ति, इसीलिए देवहूति यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है, ये हमारे लिए है, क्योंकि वे
भक्तों के लिए वे अभय चरण है। भगवान के श्री चरण में जिसने जिसने भगवान के श्री श्री चरण के शरणागत ली है वे अभय बने, क्योंकि भाई भगवान, क्योंकि काल भगवान है और वो भगवान वो काल का परतर से उठा के अपने सुंदर मुखारविंद का दर्शन दे रहे। ये भयभीत काल को वे हटा के क्या करते हैं भक्तों के लिए, वे अपना सुंदर मुखारविंद की सुंदर चरण कमलों के दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे मृत्यु भय काल के प्रभाव, मृत्यु भय काल का प्रभाव है जो परमेश्वर के प्रभाव का द्योतक है। तो नहीं मानते हैं तो मृत्यु के रूप में वे सामने आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में काल विध्वंस है, सब कुछ ध्वंस कर खत्म कर देता, खत्म कर देता है जो कुछ ने, जो कुछ हमने सोचा है कि हमने किया है वो सब कुछ खत्म कर देता है। और भक्तों के लिए वे क्या करते हैं, हमारा ये जन्म मृत्यु के चक्कर खत्म कर देते हैं। तो एक सब कुछ खत्म करने वाले भक्तों का भी ये जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म कर देते हैं जो भगवान शरणागत, खत्म तो होगा ही, खत्म होगा सबके लिए, खत्म होगा हम भक्तों के लिए जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगा। हम भौतिक जगत जहां काल, भौतिक जगत में काल कहां, काल कहां है, काल वहां है जहां पे प्रकृति या जो प्रधान से प्रकट हुआ है और इस भौतिक जगत में काल का प्रभाव है, आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है। तो ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत एक्चुअली सुपरफिशियल और एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। क्यों सुपरफिशियल, बिकॉज दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस वी हैव सीन विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज इट इज सुपरफिशियल, with super with spiritual knowledge it is real। तो सब कुछ खत्म, तो इसीलिए भय अभय भगवान के चरण कमल निरंतर हाँ। तो इसीलिए आगे इस तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से ये बताया जा रहा कि यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है तो वह जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हर लिया उनकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्ति होती है, फिर देहात्मा होती, फिनिश बॉडी में पहुंच जाती। हम जब भगवत धाम जाते हैं तो काल का शरद पूर्णिमा की रात हमेशा के लिए, यहाँ पे शरद पूर्णिमा हम मनाते हैं तो एक ही रात में खत्म हो गया, अरे जगत में शरद पूर्णिमा की रात हमेशा निरंतर है, निरंतर भगवान के साथ हम आनंद में रह सकते। वो आनंदम बुद्धि वर्धनम, जो आनंद हम चाहते हमेशा के लिए, ये इस भौतिक जगत में काल के प्रभाव से सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा पावर, हमारा पोजीशन, हमारा राज्य, हमारा बड़े बड़े एम्पायर, रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, इतने बड़े क्यों ना हो लेकिन काल के प्रभाव से क्या है, कुछ नहीं है, फिनिश। कहां गया वो रोमन एम्पायर, कहां गया वो ब्रिटिश एम्पायर, फिनिश काल के। तो मुक्ति भय का मृत्यु भय काल का प्रभाव है
जो परमेश्वर के प्रभाव का, परमेश्वर का प्रभाव किसके द्वारा किया जाएगा? काल के द्वारा हम किया जाए किए जाएंगे, अपन मानते हैं या ना मानते हैं। इसीलिए भगवान की तो कालोस है, काल सब कुछ खत्म हुआ। तो प्रभाव भगवान का किस प्रकार? काल। दूसरे शब्दों में काल विद्यमान, काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इसका भी स्मरण करना होता है कि हम ईश्वर के शरण ग्रहण करें तो बाएं काल भगवान, जब हम देखते हैं कि हाँ अभी जैसे कि ये आया था, क्या आया था, कोरोना आया था, मृत्यु सब जगह फैल गई थी, है कि नहीं, सब डर रहे हैं बाहर जाने के लिए, किसी को अंदर बनाने के लिए अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए काल के भय से। तब ये यहाँ पे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हमने अनुभव किया है कि भगवान का प्रतिनिधित्व करता है काल। तो ये भी हमें स्मरण रहना चाहिए कि हम ईश्वर की शरण ग्रह, और हमने देखा कि बहुत सारे लोग भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तब भगवान याद आए उनको, याद आए कि नहीं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, ये कुछ जो बातें बताई गई हैं यहाँ पे कोई ऐसे ही बड़ा चढ़ा के बताया गया है? हमने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि काल, जब हम देखते हैं कोई मृत्यु, किसी का मृत्यु हो रहा है, किसी को का जो सफर हो रहे हैं, ये हमें याद दिलाने के लिए कोई इससे बच नहीं सकता। तो इसीलिए अच्छा है भाई चरण शरण ग्रहण करे, भगवान के चरण ग्रहण करे, ईश्वर इस बद जीव के शिकार के रूप में बातें करते हैं। भगवान कैसे बात करते हैं? काल के रूप में। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर जन्म मृत्यु की कोई समस्या ही नहीं। चलो अब आ गए हम, है ना, अभी हम सबको मृत्यु चाहे, हम भक्त है, भक्त है जो भी है, सबको मृत्यु, पर अंतर यही है, जो गलती हो गई वो फिर से नहीं होगी, और हम इस गलती से, इस गलत स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए। निरंतर आज श्रीमद् भागवतम की जय। सॉरी फॉर टेकिंग द टाइम, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर मी, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट।